वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इससे मिलिए। यह है मेंटिस, एक खतरनाक टिड्डा। इसकी खासियत यह है कि अपने से भी बड़े साइज वाले जीव जंतुओं का शिकार आसानी से कर लेता है। बड़े साइज से मेरा मतलब किसी शेर या पाइथन से नहीं, बल्कि मेरा मतलब इससे है। देखा आपने कैसे इस मेंटिस ने इस चिड़िया का शिकार कर लिया। यहाँ तक कि ये टिड्डा बिल्लियों से भी पंगा ले लेता है। अब जरा इस वीडियो को देखिए। सांप के साथ साथ ये चूहों का भी शिकार आसानी से कर लेता है। इस छटपटाटे मेंढक को देखिए, मेंटिस ने इसका भी शिकार कर लिया। इसकी यही काबिलियत की वजह से इसे किलिंग मशीन कहा जाता है, क्योंकि मेंटिस के अटैक को ही इसका डिफेंस माना जाता है। अब इस छिपकली को देखिए। पहले तो ऐसा लग रहा था कि ये छिपकली इस टिड्डे का शिकार करने वाली है, लेकिन यहाँ तो शिकारी ही खुद शिकार हो गया। इस छिपकली की ये दर्दनाक मौत थी, क्योंकि ये टिड्डा इसे जिंदा ही खा रहा था। मेंटिस की ताकत उसके पैर में होती है, जो कांटों की तरह होते हैं। इस कांटों वालों पैरों में शिकार आसानी से फंस जाते हैं। मेंटिस का सर 180 डिग्री तक घूम सकता है। इसकी बड़ी बड़ी आंखें शिकार को दूर से ही देख लेती हैं। वैसे तो मेंटिस का मुख्य आहार कीड़े और मक्खियां हैं, लेकिन कभी कभी ये अपने ही साथी को मारकर खा जाते हैं। खासकर मादा मेंटिस अपने नर मेंटिस को संबंध बनाने के वक्त आधा खा जाती हैं। हम इंसानों को मेंटिस से एक फायदा जरूर होता है। दरअसल ये मेंटिस एक पेस्ट कंट्रोल की तरह काम करते हैं। ये कॉकरोच और चूहों को मारकर खा जाते हैं। मेंटिस नामक ये कीड़ा एक जगह पर रहकर ही अपने शिकार का इंतजार करता है। इससे मछलियां भी बच नहीं पाती, बल्कि छोटी मछलियां तो ज़्यादा आसानी से मेंटिस का शिकार हो जाती हैं। ज़रा सोचिए, अगर ये टिड्डा एक फिट जितना भी बड़ा होता तो हम इंसानों के लिए कितना खतरनाक हो सकता था। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं समाप्त हुआ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।